खटीमा कोतवाली क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव में कल पुलिस ने घर के पास एक गड्ढे में एक लाश को बरामद किया। मृतक की पहचान भागीरथ राणा के रूप में हुई, जो कुआंखेड़ा गांव का ही निवासी था। खटीमा पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक भागीरथ राणा की पत्नी राजनंदिनी का गांव के एक युवक संकेत राणा के साथ प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने संकेत राणा को पकड़कर जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि भागीरथ राणा को उसके और राजनंदिनी के बीच के संबंधों का पता चल गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर भागीरथ राणा की हत्या कर दी और उसके शव को गांव के बाहर नहर के किनारे गड्ढे में दबा दिया था। पुलिस ने मृतक भागीरथ राणा की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी राजनंदिनी और उसके प्रेमी संकेत राणा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों हत्या आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 301 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों हत्या आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। खटीमा से परिवार वालों और आसपास के लोगों ने बताया कि भागीरथ सिंह राणा की वाइफ राजनंदिनी का अफेयर चल रहा है एक संकेत नाम के व्यक्ति से, तो संकेत को लाया गया और उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि संकेत और राजनंदिनी ने ही मिलके भागीरथ की हत्या की है और संकेत ने ही उसे वहां दफनाया था। तो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा इस प्रकार से हुआ है क्योंकि दोनों का इलिसिट रिलेशनशिप था और उसी की वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है। संकेत और राजनंदिनी को अरेस्ट कर लिया।